नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस चैनल पर एक नया चीज मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस और रिव्यू कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही आपको कुछ चीजें और एडिशनल देनी होगी, जैसे आपका एज क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप अपना पूरा डिटेल मेल आईडी के माध्यम से मुझे शेयर करते हैं, आपके पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस करते हुए इसी चैनल पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ताकि ना सिर्फ आपको जानकारी हो सके बल्कि जितने भी और व्यूअर्स इस चैनल पर आए उनको भी समझने में आसानी हो, आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है और अगर कुछ उसमें चेंजेस की जरूरत है उसको कैसे किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसीलिए ये सोच मेरे दिमाग में आया कि इसको स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 2019 में इसके मैनेजमेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया था, जिसका रेशियो 1:1 था। और एक बार फिर से ऐसा रूमर है 2021 में भी इस कंपनी का मैनेजमेंट बोनस शेयर इशू कर सकता है, हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे ही इस पर कोई कंफर्मेशन आता है वो डिटेल भी मैं आप लोग के साथ फ्यूचर में शेयर करूंगा। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है। करंट टाइम में ये एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका प्रेजेंस न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी कुछ देशों में मजबूत बना हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज जिस केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका इस्तेमाल डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, एडिटिव्स, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट्स, डाइज एक्सेट्रा वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आरती इंडस्ट्रीज का हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, चाहे इसका बिजनेस का हो, फिनेंशियल हो या शेयर का हो। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है इस चैनल पर दिया हुआ कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना। आरती इंडस्ट्रीज का प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों से लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीना में इसके शेयर प्राइस में करीब 25% का अपर मूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि इसी पीरियड में ये न्यूज भी आया था कि इसका मैनेजमेंट इस बात को कंसीडर कर रहा है कि आने वाले टाइम में इसके शेयर होल्डर्स को बोनस दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, उसको लेकर जो भी मीटिंग होना था उसका कुछ रिजल्ट अभी निकल कर नहीं आया है, इसलिए अभी कहना मुश्किल है क्या वास्तव में इसके शेयर होल्डर को बोनस मिलने वाला है। वो एक मेजर कारण रहा जो पिछले कुछ दिनों में इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 3 महीनों में इसके शेयर प्राइस में 41% का अपर मूवमेंट देखने को मिला है। 1 साल में भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और ये 67% अपर साइड में ही जा रहा है, जबकि पिछले 3 साल में इसके शेयर प्राइस में 162% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल चुका है। जबकि वॉल्यूम एनालिसिस को देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी तो ठीक ठाक ट्रेड होती हुई दिखेगी, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, चाहे 1 महीना का डेटा हो या 1 सप्ताह का डेटा हो, क्योंकि हर तरफ आपको 21 या 25% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। जरूर इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहां पर आपको करीब 36% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज दिखेगा, यानी लोग आरती इंडस्ट्रीज के शेयर में ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज बहुत लो देखने को मिल रहा है, जो शायद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आरती इंडस्ट्रीज फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसके लिए हम इसके पिछले कुछ सालों का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक। इस पीरियड में इसका सेल 1437 करोड़ से बढ़कर 4186 करोड़ तक पहुंचा है। बीच के पीरियड में इसका सेल्स लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आता है, लेकिन मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट और मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसके सेल्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका इंप्रूव होता हुआ दिखेगा अगर कंपेयर करके देखा जाए मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट से लेके मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के बीच में, लेकिन यहाँ पर भी आपको मार्च 2019 और मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के बीच में बहुत ज्यादा गैप नजर नहीं आएगा। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको मार्च 2009 से लेके मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के बीच में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हालांकि अभी भी ये एवरेज से थोड़ा सा ही बेटर है अगर इसका कंपैरिजन आप इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली दूसरी कंपनियों के साथ करके देखें तो। आरती इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट इसके सेल्स से काफी स्ट्रांग और अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 12 सालों में 87 करोड़ से बढ़ के ये 536 करोड़ हो गया है,
यहाँ पर आप देखें तो करीब करीब आपको 6 गुना के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि इसका सेल्स को देखा जाए तो वहां पर करीब 2.5-3 गुना के आसपास ग्रोथ हुआ है इसी पीरियड में। अर्निंग पर शेयर भी इसका इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 4.46 से बढ़ के 30.77 तक पहुंचा है। ये कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है रिसेंट के कुछ सालों में, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज जरूर आपको 2009-10 के पीरियड में 25% से लेकर 28-24% के रेंज में नजर आएगा, लेकिन जो कुछ लेटेस्ट इसका एनुअल रिपोर्ट आया है वहां पर इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज मात्र 11% से लेकर 19% या 2-3% तक हो चुका है। इस कंपनी के ग्रोथ स्टोरी को परसेंटेज वाइज हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 3 सालों में 10% के रेट से हुआ है, 5 साल में 8% और 10 साल में 13%। इसका 5 साल का परफॉर्मेंस हो या 3 साल का परफॉर्मेंस हो, मुझे यहाँ पर कमजोर नजर आता है, क्योंकि इसके सेल्स ग्रोथ का कंपैरिजन अगर इसके कंपटीटर से करके देखा जाए ये आपको पुअर नजर आएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में 19% के रेट से हुआ है, 5 साल में 21% जबकि 10 साल में 23%। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ से डबल हो रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में 67% हाइक हुआ है इसके शेयर प्राइस में, 3 साल में 40%, 5 साल में 47% जबकि 10 साल में 52%। यहाँ पर एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर का कंपैरिजन इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कुछ क्वालिटी कंपनी से करके देखा जाए, जैसे एल्काइल, नवीन, दीपक नाइट्राइट, ये स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी आपको एवरेज ही नजर आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है और ये पिछले 10 सालों में 19% से लेके 21% के रेंज में बना हुआ है। बैलेंस शीट आरती इंडस्ट्री का आपको एवरेज नजर आएगा, क्योंकि भले ही रिजर्व्स इस कंपनी का 337 करोड़ से बढ़ के 2,892 करोड़ तक पहुंच चुका है मार्च 2009 से लेके मार्च 2020 के बीच में, लेकिन बोरोइंग्स यानी इस कंपनी पर कितना कर्ज है वो भी 484 करोड़ से बढ़ के 2,098 करोड़ तक पहुंच गया है। ये दोनों ही पार्ट बैलेंस शीट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी कंपनी में उसका रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है उस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, लेकिन साथ ही इस कंपनी में इसका कर्ज भी बढ़ रहा है और अगर इसके कर्ज को हम इसके रिजर्व से माइनस करके देखें तो करीब कंपनी के आसपास मात्र 800 करोड़ का रिजर्व बच जाता है, जो मेरे हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन और मार्केट कैप के हिसाब से काफी कम है। रेशियोज में रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज भी इस कंपनी का पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से एवरेज ही नजर आएगा, क्योंकि ये 17% और 18% के रेंज में बना हुआ है। जरूर इस कंपनी का आरओसी का परसेंटेज मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 26% था, जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है, लेकिन लेटेस्ट जो कुछ एनुअल रिपोर्ट है वहां पर इस कंपनी का आरओसी काफी कमजोर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, अगर आप इसका कंपेरिजन करते हैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कम होती हुई दिखेगी जून 2018 से लेकर मार्च 2021 के बीच में, और ये 53% से घट के करीब 47% तक पहुंच चुका है। एफआईज की होल्डिंग आपको यहां पर बढ़ती हुई दिखेगी और ये 3.82% से बढ़ के 8.66% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग में आपको मामूली बढ़त देखने को मिलेगी और ये 14.30% से बढ़ के 15.64% तक पहुंचा है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगा और ये 28.82 जो जून 2018 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से था ऑलमोस्ट सेम रहते हुए 28.87% ही रहता है मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। आरती इंडस्ट्रीज के प्रॉस के कंपैरिजन में इसका कौन सा लिस्ट लंबा नजर आएगा, क्योंकि एकमात्र चीज जो इस कंपनी के प्रॉस में आ रहा है, कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते हुए 21.41% का सीएजीआर दिया है, जबकि कॉन्स लिस्ट को देखा जाए तो इसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 9.28 टाइम्स ज्यादा चल रहा है इसके बुक वैल्यू से। प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार कम होती हुई दिख रही है और केवल लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.52% घटा है। जैसा कि हमने देखा इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी कमजोर नजर आ रहा है और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से ये पुअर रहते हुए 7.69% रहा है। चौथा कौन सा, ये कंपनी शायद अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। ये रहा आरती इंडस्ट्रीज का ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हुए फाइनली हम अब इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में नजर आएगा। हालांकि इन दोनों पॉइंट को बहुत ज्यादा अभी वेटेज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसके शेयर प्राइस में लगातार ग्रोथ होते रहता है, इसकी वजह से उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू अक्सर आपको रेड जोन में ही देखने को मिलेगा।
डिविडेंड रिटर्न्स की जहां तक बात किया जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक कोई मेजर पैरामीटर होना चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर किसी शेयर में लगातार ग्रोथ अच्छा मिल रहा है तो आपको डिविडेंड रिटर्न्स के कंपैरिजन में केवल शेयर ग्रोथ से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न्स पर से एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है, इसलिए ये तीनों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में नजर आएगा। ये कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है और करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 29,794 करोड़ है। की मैट्रिक्स में आपको इसका पी रेशियो ज्यादा नजर आएगा क्योंकि ये 56.65 है, जबकि सेक्टर पी 49.41 है। फोरकास्ट में 18 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 83% एनलिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। इस कंपनी के बारे में रूमर्ड बोनस शेयर के अलावा भी कुछ लेटेस्ट न्यूज आ रहा है। इस कंपनी का मैनेजमेंट फंड रेजिंग के लिए प्लान कर रहा है, हो सकता है एक बार फिर से इसके प्रोमोटर्स अपने स्टेक को सेल करें या एनसीडी के माध्यम से जाते हुए मार्केट से पैसे की उगाही करें, या हो सकता है किसी और माध्यम से लोन बोरो किया जाए। अगर बात किया जाए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फ्यूचर के बारे में, इस कंपनी का भी फ्यूचर अच्छा रहने वाला है क्योंकि पूरे केमिकल इंडस्ट्रीज का ही आने वाले 3-4 साल काफी अच्छा गुजरने वाला है, स्पेशली इंडिया में। उस हिसाब से इस कंपनी का भी फ्यूचर अच्छा ही रहेगा। अब आपके मन में सवाल ये उठ सकता है, क्या इस शेयर को करेंट लेवल पर बाई किया जा सकता है? मेरे हिसाब से अभी आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो बोनस शेयर को लेकर रूमर फैला हुआ है, अगर आने वाले टाइम में इसका मैनेजमेंट एक बार फिर से बोनस शेयर इशू करता है, इसके शेयर प्राइस में आपको भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा चीज जो इस कंपनी और इस शेयर के अगेंस्ट में जा सकती है, अगर इसका मैनेजमेंट एक बार फिर से मार्केट से लोन उठाता है या एनसीडी के माध्यम से फंड उगाही करता है, तो भी इसके शेयर प्राइस में गिरावट एक बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज भी इस कंपनी और शेयर के लिए निगेटिव साबित हो सकता है। इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में वैसे भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल चुका है। जब से ये न्यूज आया है, इस कंपनी का मैनेजमेंट आने वाले टाइम में बोनस शेयर इशू करने वाला है, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक करेक्शन बनता है। इसके अलावा इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए, चाहे आरओसी का परसेंटेज हो, आरओई का परसेंटेज हो, वहां पर भी ये कंपनी कमजोर नजर आ रही है अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपको केमिकल सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है किसी शेयर में, आप दीपक नाइट्राइट, एल्काइल, नवीन जैसी कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उन कंपनीज का ना सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रांग है बल्कि बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, अगर उसका कंपेयर करके हम देखें आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर क्या डिसीजन लेते हैं इसके शेयर को लेकर। मेरा यहाँ पर कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए जो भी डिसीजन आपका होगा इस शेयर के बारे में सोलेली वो आप पे डिपेंड करेगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करके इस शेयर में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।